नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लाने की वजह से हंगामा हुआ और देखते रह गए उमर अब्दुल्ला। किस प्रकार से यह हंगामा बरपा और किस प्रकार से आर्टिकल 370 हटाया गया और आज भी आर्टिकल 370 को वापस से लाने की वजह से फिर से हंगामा आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है आर्टिकल 370 और क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 आने से फिर से कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसको हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। हमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पता है, थोड़ी सी बस हमें हिस्ट्री देखनी है। हिस्ट्री इसकी कुछ इस प्रकार थी, जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ क्षेत्र थे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से ये भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार थे। कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ अपना संबंध रखना चाहते थे या फिर आज़ाद रहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे। तो इसमें तीन कुछ ऐसे जगहें थी, एक था जम्मू कश्मीर, ठीक, एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद। जब भारत आज़ाद हुआ तो इन तीन क्षेत्रों का कोई भी फ्यूचर नहीं पता था हमको। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रिटिश शासक जो थे, जब उन्होंने भारत को छोड़ा तो उन्होंने साफ साफ एक ओपन ओपिनियन रखा था कि कोई अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ वो अपने जुड़ाव रख सकता है, कोई भारत के साथ रहना चाहता है वो भी ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो वो भी ठीक है। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे शासक हुआ करते थे वो अपनी पावर जाते हुए देख नहीं पा रहे थे, उसमें से एक था जम्मू कश्मीर। यहाँ पे महाराजा हरी सिंह हिंदू राजा थे, पर जो ये क्षेत्र था ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था ये कहा जाता है, महाराजा हरी सिंह इसे इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। अब इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर ना हमें पता था कि ये भारत के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ रहेगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। धीरे धीरे करके अब्दुल्ला फैमिली थी, इसने नेहरू फैमिली के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और ये प्लान था कि भारत का नैरेटिव अच्छा करना है, यहाँ एक प्लेबिसाइट हो जाए। प्लेबिसाइट यानी कि यहाँ के लोगों द्वारा ये डिसाइड किया जाए ये किसके साथ रहना चाहते हैं। वहाँ पे नैरेटिव भारत के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था अब्दुल्लाज ने ही कि हम भारत के साथ ही जुड़ेंगे, पर पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा था। तो पाकिस्तान ने पश्तून ट्राइब्स की मदद से जम्मू कश्मीर का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा कब्ज़े में रख लिया। महाराजा हरी सिंह इससे डर गए थे। महाराजा हरी सिंह ने कहा कि ठीक है, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल रिलेशनशिप हम भारत को सौंपने के लिए तैयार है और यहाँ पे एक ऑटोनमस सा क्षेत्र बने। ऑटोनमस क्षेत्र यानी कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये साइन होने की वजह से डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स ये भारत को दे दिया गया, ठीक है, ये इंडिया के हाथ में आया और बाकी जो इंटरनल मैटर्स है वो कश्मीर खुद चला सकता था। और इसी को स्थापित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 लाया गया था। अनुच्छेद 370 एक ब्रिज माना जाता था कि ये टेम्प्ररी फेज है, यानी कि जब तक यहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं हो जाती तब तक हम एक टेम्प्ररी प्रावधान ला रहे हैं। और इस टेम्प्ररी प्रावधान की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं कि बेसिकली आप अपने आप को जोड़ के रखें। किसके साथ जोड़ के रखें? भारत के साथ जोड़ के रखें। जब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगेंगी, यहाँ पे स्थितियाँ समान होने लगेंगी, हम वापस से आपके साथ जुड़ जाएंगे। और इस आर्टिकल 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर के पास अलग प्रधान था, अलग संविधान था, अलग झंडा था इनका, तो ये बाकी राज्यों से बहुत अलग हुआ करता था।
और आर्टिकल 370 की वजह से ही यहाँ पे अलगाव था, लोग तो जानते भी नहीं थे, वहाँ के खुद के लोग कहते थे हम खुद का एक देश है या फिर वहाँ पे पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, कुछ भारत के साथ जुड़ना चाहते थे। तो यहाँ पे आर्टिकल 370 को हमने 2019 में हटाया, क्योंकि आर्टिकल 370 बहुत ज़्यादा कम्युनल, बहुत ही ज़्यादा रीजनलिज्म क्रिएट करता था। अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर की नागरिक है और इसने किसी बाहर के नागरिक से शादी कर ली, भारत में किसी अन्य राज्य के नागरिक से शादी कर ली, तो उसे किसी भी प्रकार का हक नहीं मिलता था संपत्ति में। यहाँ पे कोई बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, यहाँ पे कोई बाहरी लोग कार्य नहीं कर सकते थे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ भी बहुत ख़राब व्यवहार हुआ करता था और कहते थे ये हमारा खुद का मामला है, निजी मामला है, आर्टिकल 370 ये सब करने के लिए हमको अलाउ करता है। जब आर्टिकल 370 को 2019 में हटाया गया तो दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक बना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, एक बना लद्दाख, ठीक है। और तब से, जब से ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, तब से इसका नियंत्रण सीधे दिल्ली के हाथ में है। और इसी वजह से अब जम्मू कश्मीर वापस से चाहता है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर हो जाए, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला यही चाहते हैं, जिसकी वजह से वापस से ये कश्मीर को उसी तरह बना दें जिस तरह ये पहले हुआ करता था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा और हाथापाई के बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा था, इस दौरान जमकर बवाल हुआ, कुछ सदन के सदस्यों के बीच में हाथापाई तक हो गई, जो कि बहुत ही अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रावधान टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था। सदन स्थगित होने के बाद भी भाजपा सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा और भाजपा ने सुरक्षा पर आवाज भी उठाई। साथ ही साथ मार्शलों ने सदन में हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर निकाला। पीडीपी ने, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव ने तीखी बहस की शुरुआत की, विधानसभा के उद्घाटन सत्र से ही हो गई थी। पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी नेता वहीद पारा ने शुरुआत में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया। चलो राज्य का, इसको अगर राज्य बनना है तो वो ठीक है, राज्य बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तभी हो सकता है जब वहाँ पे स्थितियाँ और समान हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं वापस से टेररिस्ट अटैक्स बढ़ने लगे हैं। पर अगर आप आर्टिकल 370 को फिर से लाना चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम है? यह कदम 2019 में उठाया गया था, हालांकि यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पहले कुछ इस प्रकार से एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखता था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख कुछ इस प्रकार से बने हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है। बट इसमें भी पीओके का भी हिस्सा है, यानी कि पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो उन्होंने 47-48 में कर लिया था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी पता है? सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई थी कि भारत ने जब इसको यूनाइटेड नेशंस में उठाया मुद्दा, तब यहाँ पे भारत के मुद्दे को ये नहीं कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समन्वय होना चाहिए और भारत का अधिकार है इस पर, नहीं कहा गया, साफ साफ कह दिया गया कि विवादित स्थिति है। इसके अलावा कश्मीर का पहला औपचारिक दस्तावेज कलहण के राज तरंगनी में हमें पता चलता है। आज़ादी से पहले कश्मीर पर समय समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने शासन किया था। रणजीत सिंह के शासनकाल में सिखों ने भी शासन किया था। 1822 में गुलाब सिंह राजा बने। 1857 में गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद रणवीर सिंह आए। हरी सिंह ने 1925 में राज्य का कार्यभार संभाला। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद जब हुआ, जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य के विलय नहीं किया। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली, जो पश्तून ट्राइब्स थी, उन्होंने हमला करके काफ़ी लंबा एक क्षेत्र अपना लिया, कब्जे में कर लिया। 1951 में जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का गठन हुआ था। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद में पारित संविधान राज्य में लागू होगा या नहीं ये तय करना था। 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित किया गया था इससे, ताकि उनको स्पेशल दर्जा दिया जा सके। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई थी और आज़ादी के बाद से कुछ इसी प्रकार से उलट पुलट चल रहा था। इसके अलावा महाराजा ने, अगर हम बात करें पर्टिकुलर उसकी, तो 1947 में हरी सिंह द्वारा क्षेत्र के किसानों पर लगाए गए दंडात्मक करों के कारण भी पूंछ में विद्रोह हुआ था। उसी की वजह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन करवाया था। महाराजा हरी सिंह ने अपने क्षेत्र और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे और लूटे जा रहे लोगों को बचाने के लिए भारत की मदद
मांगनी पड़ी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जेएल नेहरू ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार किया। महाराजा ने राज्य की स्वायत्तता के लिए कुछ रियायतों के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। साथ ही साथ राज्य की यह विशेष स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में निहित थी, ठीक है। इसके बाद 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से जम्मू कश्मीर को छूट देता है, ऐसा बताया गया था। यह जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। साथ ही ऐसा प्रावधान किया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को भी शामिल किया जा सके। केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी, ऐसे बताया गया। और ये तब तक के लिए था जब तक एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में इसे देखा जा रहा था। ये किसी भी प्रकार से कभी भी परमानेंट नेचर का नहीं था। यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता था। राज्य की सहमति के बिना आंतरिक शांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होता था। तो यहाँ पे इसको एक स्पेशल स्टेटस मिला था, जिसकी वजह से ये एक ऐसा ग्राउंड हो चुका था जिस ग्राउंड में सेसेशन जैसी चीज़ें होने लगी थी, यानी कि अलगाववाद की बात करने लगे थे। राज्य का नाम और सीमाओं को इसका विधायकी की सहमत के बिना बदला नहीं जा सकता था। हमें पता है हमारे भारत में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये किया जा सकता है। राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता भी थी, जिसको हम रणबीर कोड कहते थे। ये कुछ इस तरह का दिखता है अब। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधन आदेश 2019 पारित किया, और ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। संविधान संशोधन आदेश जो 2019 का आया था, ये भारत की संसद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट चुका था। लद्दाख के पास उसके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, माफ कीजिएगा, लद्दाख के पास उसकी कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, राज्य विधानसभा नहीं है उसके पास, जम्मू कश्मीर के पास है। इसी वजह से लद्दाख भी नाराज है। लद्दाख चाहता है कि उसे छठी अनुसूची में डाला जाए, क्योंकि उसकी ज़्यादातर आबादी जनजातीय है। इसके अलावा आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर में दिल्ली एवं पुडुचेरी के समान एक विधानसभा होगी, ऐसी बात की गई थी। तो अभी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास विधानसभाएं हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों में से इन तीनों के पास है। इसमें 5 लोकसभा सीटें होंगी, लद्दाख में 1 सीट है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है, और इस अनुच्छेद के तहत सभी प्रावधानों को अमान्य माना गया है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है, और इसमें प्रावधान किया गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में शामिल विषयों पर केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।